नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वरुण गोयल झंडू आयुर्वेदिक चिकित्सालय सेक्टर 14 सोनीपत से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज के समय में एक रोग जो मोटापे की वजह से आता है वह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे सामान्य भाषा में लोग थायराइड भी बोल देते हैं। यह उन्हीं लोगों को होता है जिनमें वजन तेज़ी से बढ़ता रहता है, जिनके चय और उपचय की प्रक्रियाएं अच्छे से नहीं होती हैं, पाचन की प्रक्रिया अच्छी नहीं होती है, तो उनमें थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम कर देती है और उनके कम होते ही वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है और उससे व्यक्तियों को थायरोक्सिन या तो बाहर से देना पड़ता है किसी सप्लीमेंट के रूप में, या फिर वो व्यक्ति अपना वजन बढ़ाते रहते हैं और उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। लेकिन मित्रों, हाइपोथायरॉयडिज्म का समाधान थायरोक्सिन बाहर से देना नहीं है, यह एक सप्लीमेंट है जो आपको जीवन भर लेना होगा। अगर आप थायराइड से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना होगा, आपको अपना वजन नियंत्रित रखना होगा, उससे संबंधित व्यायाम अवश्य करने होंगे। मैं आपको कुछ व्यायाम हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बताता हूँ। उनमें सबसे अच्छा व्यायाम है हलासन, उज्जाई, सिंहासन। इनका आप निरंतर व्यायाम इस तरह के करने से अपने थायराइड को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अच्छी औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे त्रिकटू चूर्ण 3 तरह की औषधियों से बना होता है जो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, वो है पीपली, काली मिर्च और सौंठ। यह आप चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह और चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। दूसरी दवाई है कचनार गुगल, जो आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को पानी के साथ ले सकते हैं। तीसरी और सबसे अच्छी औषधि इसके लिए होती है कचनार के पत्तों का रस, जो आपको अपने आसपास भी अगर कचनार के पत्ते लगे हुए कहीं कचनार का पौधा लगा हुआ दिखाई दे तो आप उसे 30 ml 1 कप पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। इन सभी औषधियों के सेवन से और निरंतर आसन प्राणायाम से और अपने भोजन पर नियंत्रण से आप अपने थायराइड से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। और थायराइड के लिए जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, यानी थायरोक्सिन या थायरेनोम, उस तरह की हार्मोनल दवाइयों से भी हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मित्रों, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि सेवन करने से पहले आप मुझसे अवश्य मिलें और अगर कोई चर्चा करना चाहें तो आप सेक्टर 14 झंडू आयुर्वेदिक चिकित्सालय सोनीपत में भी मुझसे मिल सकते हैं।